दोस्तों, जब भी हम अंतरिक्ष की ओर देखते हैं तो हमारा मन रोमांच व उत्सुकता से भर जाता है। हमारी इसी इच्छा को पूरी करने में हमें टेलीस्कोप यानी कि दूरबीनों ने बहुत मदद की है। दूरबीन के आविष्कार से ही वह हमें अंतरिक्ष व ब्रह्मांड के अजूबे दिखाती रही हैं। दूरबीन के आविष्कारक हैंज लिपरशे ने सन 1608 में अपने लेंस रूम में इसका निर्माण किया था और फिर उससे अगले ही साल 1609 में इटालियन भौतिक विज्ञानी गैलीलियो गैलीलियो ने इसको पहली बार अंतरिक्ष में देखने के लिए प्रयोग किया और तभी से दूरबीन के निरंतर विकास ने हमारे अंतरिक्ष को देखने का नज़रिया ही बदल दिया है। आज हम स्पेस टेलीस्कोप्स तक पहुंच चुके हैं जो अंतरिक्ष में रहकर हमें ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों को ढूंढने में और उन पर शोध करने में मदद करता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में, जिसने हमें क्रांतिकारी तरीके से अंतरिक्ष व ब्रह्मांड को समझने में मदद की है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप एक अंतरिक्ष पर आधारित खगोलीय दूरबीन है जो लो अर्थ ऑर्बिट में रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप को लगभग 27 साल पहले अप्रैल 1990 में अंतरिक्ष यान डिस्कवरी की मदद से इसकी कक्षा में स्थापित किया गया था। हालांकि यह पहली स्पेस टेलीस्कोप नहीं है, पर यह अन्य स्पेस टेलीस्कोप से बहुत बड़ी व बहुमुखी है। यह टेलीस्कोप बहुत से काम एक साथ कर सकती है। हबल स्पेस टेलीस्कोप का नाम खगोलविद एडविन हबल के नाम पर रखा गया था। इस टेलीस्कोप को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा व यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सहयोग से तैयार किया गया है। इस टेलीस्कोप को बनाने में 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स का खर्च आया था, जो लगभग 10,000 करोड़ रुपए होते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप में मुख्य तौर पर दो दर्पण लगे हुए हैं। पहले मुख्य दर्पण का व्यास 2.4 मीटर है और उसका भार 828 किलो है। वहीं दूसरे मुख्य दर्पण का व्यास 0.3 मीटर है और उसका भार 12 किलो है। इन दोनों ही दर्पणों ने अंतरिक्ष विज्ञान में हमें सटीकता से ब्रह्मांड के विस्तार को समझने में बेहद मदद की है। हबल स्पेस टेलीस्कोप को गॉडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर नियंत्रित करती है और हबल से भेजे गए रॉ डाटा को स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट प्रोसेस करती है। इस टेलीस्कोप को पहली बार बनाने का प्रस्ताव सन 1923 में रखा गया था। पहले इस टेलीस्कोप को सन 1983 में लॉन्च करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों व बजट के कम होने की वजह से इसके लॉन्च को 7 साल आगे बढ़ा दिया गया। वर्ष 1990 में वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप के लॉन्च के बाद पाया कि उसके मुख्य दर्पण में कोई खामी रह गई है, जिसकी वजह से वह पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहा है। इसलिए वर्ष 1993 में पहला हबल स्पेस टेलीस्कोप सर्विस मिशन भेजा गया था, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों व वैज्ञानिकों ने मिलकर अंतरिक्ष में ही उसकी खामी को दूर कर दिया था। तब से लेकर आज तक 5 हबल स्पेस टेलीस्कोप सर्विस मिशन लॉन्च कर दिए गए हैं, जो उसकी समय समय पर जांच व खामियों को दूर करते रहते हैं। यह टेलीस्कोप अभी भी आने वाले 20 से 22 साल तक निरंतर काम कर सकता है, लेकिन नासा अगले साल फिर से एक नया स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। आशा करता हूं दोस्तों, आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पे अंतरिक्ष, ब्रह्मांड व एलियन से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं।